है ठीक है ना, दो तीन था, तीन दो तीन साल हो गया वो भगवान आया था, वो साधु ले आया था नेपाल, ठीक है ना। बंगाली में अनुकुटी देवता है ये तो 19 कोटी देवता है, इसको बंगाली में ट्रांसफर करके अनुकुटी बनाया। एक मूर्ति की नहीं है, एक करोड़ होना चाहिए। पानी ठंडा है, ठंडा ठंडा पानी। हेलो गाइस, वेलकम टू बीएनडी ब्लॉग यूट्यूब चैनल, आप सबका स्वागत करते हैं। तो इस वीडियो में सुसु लेकर अंत तक जरूर बने रहें। तो गाइस, तो हम लोग आज एक जगह पे जा रहे हैं, नया जगह है। तो हम मैं होता हूँ तो नया जगह होगा ना, मैं कभी भी नहीं गया वहाँ पे, तो मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, ठीक है, दोस्त लोगों के साथ। तो आप लोग एंड तक बने रहना, मैं ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ बहुत दिन से, क्योंकि मेरा मोबाइल ना लैग हो रहा है, प्लस वीडियो एडिट नहीं कर पाता, ऐसे ऐसे बहुत सारा रीज़न है। तो इसलिए बहुत दिन से वीडियो ब्लॉग वगैरह नहीं बना रहा हूँ। तो आज जाके सोचा, मतलब नया जगह पे भी आया फर्स्ट टाइम, तो सोचा आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखा लूँ पूरा अच्छे से करके जगह, मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो आप लोग बने रहने एंड तक, मज़ा आएगा। तो चलिए अभी जाते हैं, यहाँ पे एक दोस्त और सामने जा रहे दोस्त लोग, ठीक है। तो आप लोग एंड तक बने रहना, जाके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, तो आप लोगों को दिखाऊंगा पूरा, ठीक है। आप बहुत मज़ा है, बहुत मतलब पुराना, बहुत रहस्यमय जगह पे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोग बने रहना, ठीक है, चलिए चल। A few moments later, यहाँ पे दीदी लोग भी आया है, पीछे देखो क्या बोला तूने, फोटो क्लिक कर रहा है ब्लॉगर थोड़ा सा इंट्रो देके दिखाओ तो, हिंदी में, क्या हिंदी में इंट्रो देके दिखाओ थोड़ा सा। हेलो गाइस, ठीक है सुकून मिल रहा है आके, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा। पहाड़ मूर्तियाँ भी बहुत सारा है, आप लोग वीडियो में देख पा रहे होगा मूर्तियाँ, जंगल भी है। यहाँ पे देखो एक मूर्ति बनाया है, पता नहीं कौन सा मूर्ति है, जो देवता ही मूर्ति है, लेकिन पता नहीं ये खुद का लेकिन सब ब्लॉग बना रहा है, क्या बोल करिए इसको भी। ये कौन सा मूर्ति है बता सकते हो क्या, कौन सा मूर्ति है ये, किसने बनाया होगा ये, बता दो, पता नहीं किसने बनाया होगा। धर्म के अनुसार से ये बताया जाता है कि महादेव शिव ने पहले यहाँ पे किसी जगह पे जाते वक्त रात में यहाँ पे रहते गुजारा था, उस टाइम उन लोगों को बताया था कि रात सुबह होने से पहले उठना पड़ेगा, लेकिन उनके हाथियों ने नहीं उठाया ना, इसलिए शराब दे के ऐसे अभिशाप दे के मूर्ति में बदल के उन्होंने खुद ही चला गया। धर्म के अनुसार से ऐसे बताया जाता है, लेकिन और इससे बाबा मैं और कुछ बता नहीं सकूँगा, ठीक है। इसको जितना पता है वो बता दिया आप लोगों को, मुझे तो नहीं पता ज़्यादा, एक्सप्लेन हिस्ट्री को नहीं पता क्या है क्या नहीं, लेकिन इसका मुझसे थोड़ा सा सुना हो क्या है क्या नहीं, थोड़ा इधर से पानी गिर रहा है, ऊपर से उधर से पानी गिर रहा है, इधर पे कहाँ से पानी आ रहा है, पानी ऊपर से लेके पहाड़ का मूर्ति, पत्थर का मूर्ति। चलो वहाँ पे जाके फोटो ले लो। ओ नीचे जा सकते हैं, ये कहाँ से नीचे जाएगा, इधर से जाके पानी पी के आते हैं, चल जा सकते हैं, चलो थोड़ा सा इधर से। तो कैसे नीचे जाएगा, नीचे जा पाऊँगा, कहते नीचे जाके देखते हैं।
चलो बस। तो और भी देखा ना बाकी है, आप लोग यहाँ तक बने रहना। तो इधर से जाके उधर रास्ते उधर जाके फिर से इधर भी जाएंगे, तो देखते रहना, मज़ा आने वाला है। अभी तक पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बना रहा था मैं, कॉन्फिडेंस भी नहीं है, प्लस बात करने का भी तरीका अलग हो गया, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ अपने आप, मतलब मुझे क्या बोल रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ बोलते जा रहा हूँ, जो बोलना है बोलते जा रहा हूँ, सॉरी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो फिर भी आप लोग को दिखाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या है पता नहीं, देखो पूजा वूजा भी किया हुआ है, लाल लाल करके यहाँ पे पता नहीं क्या है, जंगल भी है यहाँ पे। आप लोग भी आओ, त्रिपुरा में पड़ता है त्रिपुरा अनुकुठी, आप लोग गूगल में देख लेना, लोकेशन में मिल जाएगा, ठीक है, मैं लोकेशन भी दे दूंगा, तो आप लोग आके देख सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिलेगा, अच्छे अच्छे चीज़ मूर्तियाँ पत्थर से मूर्ति बनाए, ठीक है, तो आप लोग भी आके देख पाओगे। गाइस उधर से रास्ता आया है, पता नहीं कौन सा रास्ता से इधर एक आया है, एक रास्ता करके इधर पे एक छोटा सा ब्रिज है, इधर पे बे दोस्तों कभी जाके देख के आया, बोला कि इधर एक मूर्ति है, मैं भी देखने के लिए जा रहा हूँ, क्या है पता नहीं, चलिए अकेला अकेला जाते हैं। ओह जंगल है, साइड साइड पे तो बस जंगल है गाइस, क्या है सामने सब बनाया हुआ गाइस, यहाँ पे एक सामने मूर्ति देख रहा हूँ, देखो गाइस यहाँ पे एक मूर्ति, पता नहीं इधर पे आके एक मूर्ति बनाया, देखो पूरा दिखा रहा हूँ। गाइस डरना भी चाहिए, क्या डरना चाहिए, ऐसे मतलब जंगल पे साइड में मूर्तियाँ बनाया रखा है, उधर पे चप्पल से आके ऊपर मत चलो, डर भी लगना चाहिए कि चप्पल से तुम आओगे तो पता नहीं मतलब क्या क्या हो सकता है, वो खुद भी बोल नहीं सकोगे, ठीक है, तो इसलिए आओगे प्रणाम वणाम करो, उठो जाओ अच्छे से, ठीक है, ज़्यादा भी वो मतलब वो मत करो, मत उछा क्या बोलते उसको हिंदी में, उछलो उछालो ऐसा कुछ है, ठीक है, यही बता रहा हूँ, बहुत गर्मी हो गया, पसीना निकल रहा है यहाँ पे, तो चलिए आगे जाके देखा थे, और आगे बहुत कुछ है देखाने बाकी है, तो आप लोग एंड तक बने रहना, सब कुछ दिखाऊंगा आप लोग यहाँ पे, सब कुछ आया हूँ सब कुछ आप लोगों को दिखाने के लिए, इतना दिन के बाद ब्लॉक, ठीक है, आप लोगों को सब दिखा के जाऊँगा, मतलब जाऊँगा, ठीक है, सब कुछ दिखाऊँगा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा हिस्ट्री को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, बट सिनेमेटिक शॉट लेके वीडियो में बता के आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है, आप लोग देखते रहना सिर्फ, ठीक है, देखो वो लोग ना रहा है, थोड़ी पहले आप लोगों को जहाँ पे दिखाया था उधर से दिखाया था, अंदर ना रहा है वो लोग, पानी को गंदा कर दिया, इधर पहाड़ चढ़ते चढ़ते बस पहाड़ चढ़ते चढ़ते एनर्जी ख़त्म, नाम नाम करते हैं अनुकुठी, गाइस देखो मेरा पीछे यहाँ पे ये मूर्ति वूर्ति, यहाँ पे लोग आते हैं मन्नत वगैरह मानते हैं, यहाँ पे प्रणाम वगैरह करते हैं, देखो प्रणाम किया, यहाँ पे हाथ पैर धोते हैं, इधर से पानी गिरता है, पानी ऊपर से कहाँ से गिरता है,
ठंडा है, बहुत पानी ठंडा है, ठंडा ठंडा पानी है। गाइस उधर इधर पता नहीं अंदर क्या है, बांस वांस लगे रखा है, क्या कहता नहीं, बहुत रहस्यमय बोलते इसको बोलते हैं रहस्यमय। देखो पानी गिरता है, बहुत कुछ देखने को मिला है। गाइस एक कबूतर इधर है, देख रहा है, ये ऐसा हो सकता है भगवान भी हो सकता है, हम लोगों को देख रहा है अभी, है ना, बोल नहीं सकता, ऐसा डर भी नहीं लगता, मतलब पास में पूरा पास में ऐसे खड़ा हुआ है, देखो कबूतर। गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मूर्ति गाय लिखा निषेध, मतलब कि यहाँ पे जो मूर्ति वगैरह है ना, वहाँ पे जो यहाँ पे लोग लिखता है, पहले बहुत सारा लोग देखो लिखा हुआ है, बहुत सारा ऐसे लिखना मना है, आके लिखना मना है, ठीक है, इसे मत लिखो बाहर। ओए आ जाओ जाओ, उधर से जाएंगे ऊपर, बहुत सारा इधर। गाइस देखो इधर जो है ना अंदर बहुत सारा मूर्तियाँ यहाँ पे भी देख सकते हो, घर के अंदर मूर्तियाँ भी रखा है, पता नहीं कौन सा मूर्ति है, बहुत सारा देवता के मन मूर्ति है यहाँ पे घर के अंदर, ऊपर यहाँ भी मूर्ति बनाए रखा है अंदर, पहाड़ चढ़ चढ़ के पूरा एनर्जी ख़त्म हो गया। उधर उधर तो पीछे से भी लोग आ रहा है, पता नहीं उधर क्या है, उधर भी लोग जाता है, देख सकते हो घूमने के लिए आए सब लोग दूर दूर से। कैसा लग रहा है तेरे को? बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे जंगल, ये पहाड़े नहीं, इससे भी ज़्यादा वो पहाड़ बहुत ऊंचा है, इससे भी ज़्यादा उस पहाड़ बहुत ऊंचा है। गाइस देखो मूर्ति, तो यहाँ पे एक लोग को पूछते हैं, और यहाँ पे रहस्यमय क्या है, एखे एक रहस्यमय कथा एक तो कौन आ गीता गीता मानी एक तो हमारे बुझे हुआ तीन चार बस कई मान लाल तमेंगे जमती जमती साधु साधु मान नगथा उठा एक्सप्लेन करना थोड़ा सा, एक्सप्लेन करो थोड़ा सा, हेलो क्या बोला क्या बोला, वो मंदिर है दो तीन महीना हो रहा है और अभी वो साधु आदमी गया था देश में, है ठीक है ना, दो तीन था तीन दो तीन साल हो गया, वो भगवान आया था, वो साधु ले आया था नेपाल, ठीक है ना, उसके लिए बोला था। यहाँ पे एक साधु रहता है ना, रात को यहाँ पे सोता है क्या? और बसु होता है रात्रि को घूमे नहीं, ये तो अनुस्कुटी अनुस्कुटी बंगाली में अनुकुटी अनुकुटी देवता है यहाँ, ये तो अनुकुटी देवता है, इसको बंगाली में ट्रांसफर करके अनुकुटी बनाया, अनुकुटी का मूर्ति है यहाँ पे, अनुकुटी मतलब उसको कोयला एक मूर्ति के लिए, मतलब एक करोड़ नहीं हुआ, एक मूर्ति के वजह से एक करोड़ नहीं हुआ, एक मूर्ति के नहीं है एक करोड़ होना चाहिए। यहाँ पे एक लोग को पूछा, उसने बोला वो ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जो थोड़ा सा उसको पता है वो बोला, यहाँ वो बोला कि एक साधु है, ठीक है, एक साधु यहाँ पे रहता है, वो साधु पता है उसको क्या है क्या नहीं,
तो वो तो आज नहीं है, तो इसलिए जो जितना इन्फॉर्मेशन है आप लोग सुना उसने बोला भी किया, और इस तरफ जाके देखूंगा क्या है क्या नहीं, ठीक है बने रहो वीडियो में। बस फाइनली ऊपर आ गया, ये देखो इधर है, यहाँ भी उस लोग प्रणाम वनाम करते जरा आता है मोम वगैरह यहाँ पे, यही है लास्ट रास्ता। One hour later. तो गाइस फाइनली आपको सब कुछ दिखा दिया, जो है जो नहीं सब कुछ समझा के लोगों को पूछ के जितना हो सके इतना आप लोगों को समझाया बताया दिखाया, ठीक है। तो आप लोग अच्छा लगा तो मेरा मोटिवेट के लिए सिर्फ, ठीक है, और नया नया अच्छा सा वीडियो लाने के लिए आप लोग मुझे शेयर करो, सबसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और बेल वाला आइकन को ऑल पे सेट करो, और आते हैं नेक्स्ट वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो लेके, ठीक है। और मैंने जो बताया कैमरा मैन होना चाहते हैं तो कोई मुझे आके टेक्स्ट करो इंस्टाग्राम में, ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, कैमरा मैन होना चाहते हो तो तब रिएक्शन वीडियो ब्लॉग बनाएंगे। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो लेके, धमाका वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, लेट्स गो।